नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली पुस्तक राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। इस पुस्तक के लेखक हैं एचपी टेलर और ये पुस्तक आपके नवगठित संभागों एवं जिलों के अनुसार लिखी गई है। ये पुस्तक RPSC और RSMSSB की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस बुक का फ्रंट कवर है और बैक कवर में अपने को लेखक का परिचय और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ और लेखन कार्य जो हैं उनकी डिटेल दी हुई है। इसके साथ ही आपको एक अन्य पुस्तक की एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलती है जो राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था प्रश्न बैंक है। और इसके बाद में यहाँ पे इस बुक की रेट दी हुई है 180 और मार्केट में आपको 150 जोधपुर में मिल रही है, तो सीकर झुंझुनू जयपुर की तरफ हो सकता है 10-20 रुपये कम में मिल जाए। 180 में नाथ पब्लिकेशन की तरफ से बाई पोस्ट आपके घर तक ये बुक भेज दी जाएगी। नाथ पब्लिकेशन सीकर से हेल्पलाइन है वो यहाँ पर दी हुई है, इनके माध्यम से आप ये बुक मंगवा सकते हो या फिर नाथ पब्लिकेशन की प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस बुक की इंडेक्स की। ये फर्स्ट पेज है इस बुक का जहाँ आपको संपादक और प्रकाशक की थोड़ी डिटेल देखने को मिलती है। यहाँ पर लेखक ने अपने सहयोगी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया है और इसके साथ ही अपने को दो शब्द विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाओं सहित लेखक और नाथ पब्लिकेशन की टीम ने लिखे हैं। इसके बाद में आती है इंडेक्स और इंडेक्स में अपने को राजस्थान की जियोग्राफी और इकोनॉमिक के जो कुछ पार्ट हैं वो संयुक्त रूप से अलग अलग नहीं हैं, ये पूरे संयुक्त रूप से पार्ट दिए गए हैं और उनकी डिटेल देखने को मिलती है। टोटल अपने को 23 चैप्टर देखने को मिलेंगे इस बुक में और 24 और 25 में आपको शब्दावली और परिशिष्ट देखने को मिलेगा। टोटल पेज इस बुक के हैं 207 और मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो पहला चैप्टर राजस्थान का परिचय, फिर भूगर्भिक संरचना, भौगोलिक प्रदेश, जलवायु, मानसून तंत्र, अपवाह तंत्र जिसमें नदियां और जिले शामिल है, और अगला चैप्टर इसका मृदा एवं मृदा से संबंधित समस्याएं, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण, पशुधन एवं डेयरी विकास, कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश, जल संसाधन एवं जल संरक्षण, सिंचाई एवं पेयजल परियोजनाएं जिसमें प्रमुख बांध एवं तालाब नहरें शामिल है। अगला चैप्टर इसका खनिज संसाधन का है और ऊर्जा संसाधन, उद्योग एवं हस्तशिल्प, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, जनगणना, प्रमुख जनजातियां, विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण और आखिरी चैप्टर है इसका सूखा, अकाल, पर्यावरण समस्याएं, आपदा प्रबंधन एवं महामारियां। इन टॉपिक को आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये टॉपिक को लिखा गया है और इसके बाद में अपन आते हैं पहले चैप्टर की तरफ। पहले चैप्टर का नाम है राजस्थान एक परिचय वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक का, और इसमें आपको राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानों के प्राचीन नाम की एक इंडेक्स भी देखने को मिलती है जिसमें आपको 71 जो भी क्षेत्र और स्थान हैं उनके प्राचीन नाम देखने को मिलेंगे, और इसके बाद राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, अंतिम बिंदु वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। ये राजस्थान का नवीनतम मैप भी है जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमाओं की डिटेल दी हुई है। यहाँ पर अपने को राजस्थान के विभिन्न जिलों की आकृति की एक इंडेक्स देखने को मिलेगी जिसमें 5 जिलों की आकार किस प्रकार का ये दर्शाया गया है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा वगैरह की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है राजस्थान के संभाग एवं जिले। संभाग है पहले 7 थे अब 10 हो गए हैं, 10 की यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, संभाग में कितने जिले हैं और उनकी विशेषताएं क्या है यहाँ पर इंडेक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके बाद राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों की एक छोटी छोटी दो इंडेक्स बनाई गई है। ये इंडेक्स है वो पुनर्गठन के पूर्व की है क्योंकि पुनर्गठन के साथ में अपने को इनके जो नवीन जिले बने हैं उनकी क्षेत्रफल की कोई भी डिटेल राज्य सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई, इस वजह से ये पुनर्गठन के पूर्व की डिटेल ही दी गई है। बाकी ये है नवसर्जित जिले और इन जिलों की पूरी डिटेल कि जिले का नाम और किस जिले से वो अलग होकर जिला बना है। ये 33 जिले पुराने थे, उसके बाद में 34-35 से शुरू होकर 50वें जिले तक की डिटेल दी हुई है। इसके बाद में राजस्थान के विभिन्न शहरों नगरों के उपनाम भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला चैप्टर है अपना राजस्थान भूगर्भिक संरचना, इसमें अपने को आदि महाकल्प, फेनेरोजोइक, योन इन सब की जानकारी देखने को मिलेगी, जहाँ पे अपने चट्टानों वगैरह की डिटेल दी हुई है कि अरावली का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस काल में हुआ, इन सब की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में ये छोटा सा ही टॉपिक है, बस 3 पेज का ही है यहाँ पर, और बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन वगैरह का जो भी उनकी चट्टानें वगैरह उनकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में टॉपिक आता है जो अगला चैप्टर अपना राजस्थान भौगोलिक प्रदेश, यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से भौतिक विभागों को अलग करके अच्छे से दर्शाया गया है। यहाँ पर अपने को राजस्थान का एक मैप देखने को मिलेगा जहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश है वो मैप के माध्यम से आपको अच्छे से प्रस्तुत किए हैं। फिर पश्चिमी मरुस्थल और अरावली पर्वतीय प्रदेश वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये सब नए जिलों के अकॉर्डिंग है जहाँ पे आपको खेड़ ब्रह्म गुजरात से खेतरी नीम का थाना, पहले क्या होता था सीकर लिखा आता था, अब नीम का थाना लिखा आ रहा है कि राजस्थान में अरावली कहाँ से कहाँ तक है। फिर यहाँ पे अरावली, उत्तरी अरावली की चोटियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये भी नवीन जिलों के अकॉर्डिंग है सब कुछ। और फिर दर्रे, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ,
अरावली की अन्य पहाड़ियाँ जो भी है, नाल दरे सब, फिर आ जाता है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी आपको जैसा कि दिख रहा है ये सब डिटेल दे रखी है, ज़्यादा डिटेल दिखाएंगे तो आपने वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, सो फटाफट इसको शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन की एक इंडेक्स आपको दी गई है। फिर आता है आपका राजस्थान जलवायु एवं मानसून तंत्र। इस चैप्टर में भी आपको मैप के माध्यम से अच्छे से दिखा दिए गए राजस्थान में वर्षा वितरण, वायु दाब रेखाएं वगैरह, अटरी वार्ता, कॉपे एंड थॉर्नमेट, इनका वर्गीकरण भी आपको मैप के माध्यम से दिखाया है। जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह दे रखे हैं। फिर हवाएं, आर्द्रता, वाष्पीकरण दर, वर्षा, सब कुछ दे रखा है। अगला चैप्टर है अपना राजस्थान अफा तंत्र, नदियाँ एवं जिले। यहाँ पे अपने को बंगाल की खाड़ी, अफा तंत्र, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ और जिले वगैरह का आपको अलग से देखने को मिलेगा। ये चंबल नदी का अफा तंत्र है जो मैप में आपको नदी का एकदम डायग्राम बना के दिखा दिया कि भाई यहाँ से नदी जा रही है और ये इनकी सहायक नदियाँ हैं जो किस तरफ से इसमें सम्मिलित हो रही है, आप आराम से देख सकते हो, जिससे आपको समझने में थोड़ी सहूलियत रहती है। फिर आ गया बनास नदी अफा तंत्र, और फिर ये अन्य नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, इनकी भी यहाँ पर एक इंडेक्स बना के अच्छे से डिटेल उपलब्ध करवाई है। फिर अरब सागर की नदियाँ आ जाती है जिसमें माही नदी तंत्र, लूणी नदी तंत्र भी आपको देखने को मिलेगा। फिर वही वापस अरब सागर की अन्य नदियाँ और अंतर प्रवाह वाली नदियाँ जो किसी भी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है, वो राजस्थान के अंदर ही कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है, उन नदियों की ये डिटेल दे रखी है। फिर आता है नदियों के किनारे बसे शहर, और फिर अपना नदियों के बाद में आता है जिले। खारे पानी के जिले, मीठे पानी के जिले, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ एक तो तालाब भी है, उनको जिले लिखा गया है, हालांकि अब तालाबों को ही जिले बना दिया गया है। यहाँ पे कुछ प्रमुख तालाब भी लिखे हैं, केंद्रीय झील संरक्षण योजना का भी यहाँ कुछ डिटेल दे रखी है छोटी सी। और फिर आता है राजस्थान मृदा, मृदा से संबंधित समस्याएं। अब मिट्टी की क्या समस्या है वो यहाँ पे दिखाया गया है आपको। काली मिट्टी, पीली भूरी, रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली, बलुई मिट्टी, इनकी पूरी डिटेल दे रखी है। और राजस्थान की मिट्टियों के रंग, गठन, उपजाऊपन के आधार पर इनको 10 भागों में बांटा गया है, तो इन 10 भागों की यहाँ पे डिटेल दी हुई है आपको। और उसके बाद में आपको कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण है, तो कृषि विभाग ने कुल 14 भागों में इसको बांट रखा है, उसकी भी यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये मिट्टी वाला हो गया। इसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति में अरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीय वन, आमतौर पर क्वेश्चन आता है, तो आपको अच्छे से ये पढ़ना है, और बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इंडेक्स बना के आपको दिया हुआ है। फिर अगला चैप्टर अपना जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण, जिसमें आपको वन्य जीवों और जैव विविधता के जो भी डिटेल है वो दी है, जैसे रणथंभौर बाघ परियोजना, गोडावण, सिंकारा, ऊंट, इनकी डिटेल आपको दे रखी है। फिर यहाँ जैव विविधता वन्य जीव संरक्षण का एक डायग्राम बनाया, और टाइगर रिजर्व की एक छोटी इंडेक्स बना के, राष्ट्रीय उद्यान को भी अलग से एक इंडेक्स बना के दिखाया गया। इसके बाद में ये कुछ फैक्ट दे रखे हैं आपको, और इस प्रकार से अभयारण्य वगैरह की पूरी डिटेल आ गई। ये 36 कन्वर्जेशन रिजर्व हैं, उनकी इंडेक्स है, आकृति निषिद्ध क्षेत्र पूरा का पूरा आपको शुभंकर वगैरह दे रखा है यहाँ पर। राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास, ये भी है, पशुओं की नस्लें वगैरह, और इसके साथ ही आपको डेयरी विकास का भी इसमें एक अलग से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में राजस्थान कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश, इसमें कृषि फसलों का वर्गीकरण वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लो यहीं से। फिर अगला चैप्टर अपना जल संसाधन, जल संरक्षण, और इसके बाद सिंचाई पेयजल परियोजना, और यहाँ पे इनको भी एक मैप में अच्छे से समझा दिया गया है। ये अपनी इंदिरा गांधी नहर को, और इंदिरा गांधी नहर की जो लिप्त नहरें हैं उनका भी एक इंडेक्स बना के, पुराना नाम, परिवर्तित नाम, लाभावन जिले, विशेष विवरण करके इन्होंने पूरा दे दिया है। इसके बाद इन्होंने प्रमुख बांध व तालाबों की भी एक इंडेक्स दी है। और फिर 13वां अपना चैप्टर है खनिज संसाधन, धात्विक, अधात्विक खनिज, इन्होंने ये पूरी इंडेक्स बना दी है जितने भी खनिज संसाधन हैं उनकी, और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं उसकी भी पूरी डिटेल इन्होंने दे दी है। कुछ महत्वपूर्ण खनिज है उनकी जानकारियाँ इन्होंने अलग से उपलब्ध करवाई है। इसके बाद में अपना टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में देखो उत्पादन के आधार पर और संभावना के आधार पर ये एक डायग्राम बना के इन्होंने पेश किया है। परंपरागत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, नवीकरणीय, इस प्रकार से ये देखो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जो भी हैं उनकी पूरी डिटेल एक इंडेक्स के माध्यम से आपको दी गई है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा परियोजनाएं, इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और अगला चैप्टर अपना उद्योग एवं हस्तशिल्प। उद्योग एवं हस्तशिल्प में भी देख लो आप अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, और राजस्थान के प्रमुख उद्योग सीमेंट वगैरह, कांच उद्योग है, प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं, हस्तकलाएं एवं उनसे संबंधित केंद्र जो भी हैं उनकी भी एक डिटेल दे दी है इन्होंने। और फिर आता है राजस्थान व्यापार, व्यापार वाला भी एक छोटा सा ही चैप्टर यहाँ पर है। राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं वगैरह का यहाँ पे दे रखा है। 14वां चैप्टर अपना परिवहन, परिवहन की भी इंडेक्स बनाई है जगह जगह पे, आपको राष्ट्रीय राजमार्गों की भी डिटेल देखने को मिलेगी, उनका
पुराना नाम, नया जो पुराना नंबर और नया नंबर जो भी है उनकी भी डिटेल दी है, उनकी किलोमीटर कितने हैं, कहाँ कहाँ से गुजरते हैं वगैरह, पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। फिर रेल परिवहन, वायु परिवहन, इनकी भी डिटेल दी हुई है। पर्यटन, पर्यटन में देखो आप, ये परिपथ और सर्किट की जानकारी दी है। मरु सर्किट जिसे डेजर्ट ट्रायंगल भी कहा जाता है। फिर सेकावटी परिपथ, ढूंढाड़ परिपथ, हाड़ौती परिपथ, मेरवाड़ा परिपथ, रणथंबोर परिपथ, मेवाड़ परिपथ, इस प्रकार से 10 सर्किट जो भी हैं इन्होंने पूरी डिटेल दे दी है। और क्वेश्चन भी अपने को लगभग देखने को मिल जाता है यहाँ से हर एक नॉर्मल से एग्जाम में भी। इसके बाद में जनगणना का चैप्टर है, और जनगणना 2011 वाली है अभी, और उसी की यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगी। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं, यहाँ पे पुराने वाली और सेम वाली, पुराने वाली और नई वाली सेम ही है। फिर आती है राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, जनजातियों की भी यहाँ डिटेल देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम जैसे सूखा संभावित और अरावली विकास कार्यक्रम जो हुए उनकी यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगी। राजस्थान मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण में आपको मरुस्थलीकरण में सूखा उसके कारण क्या है वगैरह की डिटेल दी हुई है। और इस बार और आखिरी चैप्टर जो है अपना वो है सूखा, अकाल, पर्यावरण समस्या, आपदा प्रबंधन, महामारियाँ। तो इस बारे में सूखा और अकाल के कारण वगैरह आपको दिखाई गए, और आपदा प्रबंधन की भी एक यहाँ विवरण दिया हुआ पूरा, इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है आपको देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर बेस्ट है पूरी बुक, और ये आ गया अपना 23 चैप्टर अपने पूरे हो चुके हैं। अब शब्दावली दी हुई एक अलग से एक चैप्टर बना के, जहाँ आपको जल विभाजक रेखा, गोडवार प्रदेश वगैरह की डिटेल देखने को मिलेगी। जो भी अपने शब्दावली होती है राजस्थान की, उनको इन्होंने दर्शाया है कि उसका क्या अर्थ होता है, किस क्षेत्र में वो शब्द बोला जाता है, इस बारे में जानकारी दी हुई है। ये परिशिष्ट है, परिशिष्ट में आपको राजस्थान की जनगणना है 2011 के, उसके संशोधित अंतिम आंकड़े देखने को मिलेंगे। जहाँ पहले इंडेक्स है आपकी जनसंख्या, ग्रामीण, शहरी और 0 से 6 आयु की जनसंख्या, शिशुओं की लिंगानुपात वगैरह देखने को मिलेंगे। दूसरी इंडेक्स है उसमें साक्षरता को ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनाई हुई है। साक्षरता, साक्षरता दर, ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत, शहरी साक्षरता प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कार्यशील जनसंख्या अनुपात और कुल श्रमिकों में से मुख्य श्रमिकों का अनुपात पूरे 33 जिलों के अनुसार पूरी की पूरी बनाई गई है। 33 जिले इसलिए क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी और उस टाइम अपने 33 जिले ही थे। लास्ट में अपने को देखने को मिलते हैं राजस्थान का नवीन मानचित्र, ये अभ्यास हेतु है, दोनों ही मानचित्र इसमें आप अभ्यास कर सकते हो। यहाँ जयपुर का नाम देखने को मिलेगा क्योंकि ये राजधानी है, बाकी आप अभ्यास कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे लेखक का है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप मोबाइल में खोलिए स्कैनर और स्कैन कीजिए और इनसे जुड़ जाइए HP टेलर सर से। तो ये थी पूरी बुक, और आपका इस बुक के बारे में और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।